सो हे गाइस, विनर दिस साइड। तो आज हम करेंगे हमारा एक और मॉक। तो अभी जो हमने लास्ट टाइम पे मॉक करा था हमारा, वो कौन सा था? सेक्शनल मॉक था हमारा, ठीक है। और इंग्लिश का मॉक था जो लास्ट टाइम हमने करा था। पहले हमारे 50 में से 50 आए थे, दूसरे में 50 में से 50 थे। एक करा था हमने 3 दिसंबर को, फिर एक करा था 4 दिसंबर को, अब एक करते हैं हम, सॉरी 4 जनवरी को। अब हम करते हैं ये वाला, ठीक है। तो एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से और देखते हैं चीजों को। चलो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेडी टू बिगिन। चलो, ये क्या आ रहा है? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। कह रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है जिसकी फिंगर्स में फिंगर्स चिपकी हुई हो, मतलब जिसे चुराने की बहुत आदत हो। प्रोपेंसिटी टू स्टील, मतलब टेंडेंसी टू स्टील, चुराने की आदत। ईडियम है बहुत अच्छा, ध्यान रखना। द क्वाइट कॉर्नर्स ऑफ द लाइब्रेरी प्रोवाइड अ डैश हेवन फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी इन पीस। जो क्वाइट कॉर्नर्स होते हैं लाइब्रेरी के, वो प्रोवाइड करते हैं कैसा, एक ऐसा चीज प्रोवाइड करते हैं जिससे फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं पीस में, तो वो एक एरिया प्रोवाइड करते हैं बेसिसली उसको, ठीक है। एक हेवन प्रोवाइड करते हैं, एक बढ़िया जगह, मतलब एक तरीके से स्पेस, ठीक है। तो नॉइजी, नॉइजी जहाँ बहुत ज्यादा नॉइज हो। टुमल्टोस मतलब होता है शोरगुल, नॉइजी, डिसऑर्डरली। एजिटेटिंग इज कोई एजिटेट हो रहा हो, नर्वस हो रहा हो, कोई कोई एक तरीके से घबरा रहा हो, एजिटेट हो रहा हो। ट्रैंकुल मतलब होता है पीस में। तो भैया यहाँ पे पीस बोल ही रहा है, तो आप रिलेट करके ट्रैंकुल दे सकते हो, मतलब एकदम शांति, शांत वातावरण, वातावरण। वाह भाई वाह। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर बैड और इमोरल बिहेवियर और हैबिट्स। तो आपका क्या वर्ड है वो? डियर ट्राई मतलब होता है आपका लड़ाई झगड़ा, झगड़ा छोटा मोटा, वो मतलब आप बिटर अटैक कह सकते हो कि लड़ाई झगड़े को आप बोल सकते हो डियर ट्राइब, ठीक है। स्पार का मतलब होता है बक झक किसी दोस्त के साथ, मतलब अ फ्रेंडली फाइट कह सकते हो, जैसे लड़ाई हो जाती है दोस्तों के साथ। वैकी का मतलब होता है मजाक मस्ती करना, ठीक है, मौज में, फनी, अम्यूजिंग, मजाक मस्ती करना। वाइस का मतलब होता है, जैसे कि एक होता है वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स रिलेटेड टू मॉरल एथिक्स, मॉरल बिहेवियर। बैड और इमोरल के लिए हम यूज करते हैं वाइस, ठीक है। समझाता चलूंगा, गलत भी हो सकता है मगर वो कैब गलत नहीं होने देंगे। द मरमेड मरमर्ड, अच्छा, इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव फार फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन। मरमेड ने मरमर करा, क्या किया कि भैया ये मुश्किल था उसके कि यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ रहना, मतलब है, ठीक है ना, सर्वाइव करना उनके साथ। तो पास्ट की बात हो रही है, डेट इट हैड बीन, कि वो चीज़ है, इट हैड बीन, ये चीज़ डिफिकल्ट थी। इट इट हैड बीन, पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है, हैड V3 बीन। दिस हैव बीन, दिस हैव बीन तो गलत है, दिस हैड बीन, डेट दिस हैड बीन, इट हैड बीन, दिस हैड, अरे यार इसमें तो कोई गलती नहीं है, इट हैड बीन सही तो है। यहाँ पे पास्ट का पूछा गया, पास्ट कोई दिक्कत नहीं, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। दिस हैड बीन सुनाएंगे नहीं, हाँ, नो करेक्शन नहीं रिक्वायर्ड है, कन्फर्म है। आई रिसीव गुड कंसेशन, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आप लोगों को। तो रिसीव्ड की स्पेलिंग इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिसीव्ड की स्पेलिंग यहाँ तो सही है, फिर वेल की, वाइल की यहाँ पे भी सही है, परचेजिंग की यहाँ पे सही, कंसेशंस में डबल एस आएगा ना, कंसेशंस, कंसेशंस की स्पेलिंग ये होती है, हाँ बिल्कुल सही। द डैश ऑफ अर अपोलॉजी अपोलॉजी मेड एवरीवन फॉरगिव हर। अच्छा, उसकी जो लेविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई चीज कॉम्प्लेक्स है, लेविटी मतलब होता है कि भैया कोई बहुत सीरियस मैटर था और आप उसको हंसी मजाक में ले गए। जैसे कि अभी बिग बॉस में चल रहा है, वो कपल है, उसकी मम्मी आई, उसने उसको डांट दिया, कुछ बोल दिया, तो उसने अपने पति को बताया कि देखो ऐसा ऐसा तुम्हारी मम्मी ने बोला, तो पति कह रहा कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मुश्किल चीज़ों को अपने आसान में लिया, मतलब लेविटी कहते हैं उसे। इनसिंसियर जो चीज़ है, इनसिंसियर है, तो सिंसियरिटी ऑफ हर, जो उसकी सिंसियरिटी थी, किसकी, माफी की, उसने क्या करा, मेड एवरी वन फॉरगिव, कि सबको ऐसा कर दिया कि भैया भूल जाओ, माफ कर दो इसको। सिंसियरिटी इज द करेक्ट वन। लिली सेड टू हर मॉम दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंसर्ट। इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है आपने, तो हैव बीन है, तो हैव बीन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव बीन का क्या हो जाता है, हैड बीन हो जाता है, बस हैड बीन ढूंढ लो, यहाँ पर है नहीं है, गलत गलत गलत, ये रहा, यही आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ो। सेट टू कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में, ध्यान रखना, टोल्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, से आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है।
इसलिए आप अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हो तो बीच में आपको टू प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है। दूसरा है चेंज द पैसिव सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस। पैसिव है, अ मास्टरपीस वाज क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट, मतलब बाय द आर्टिस्ट है, तो ये आपका दे रखा है वॉस प्लस वी3, मतलब पैसिव दे रखा है एक्टिव बनाना है, तो बाय द आर्टिस्ट है यूजिंग जस्ट प्राइमरी कलर्स, तो आर्टिस्ट आपका मेन सब्जेक्ट बनेगा। अब आपको देखना आर्टिस्ट कहाँ पे यूज होगा, तो आर्टिस्ट यहाँ है प्राइमरी कलर यूज कर दिया तो गलत है, सब्जेक्ट ही नहीं बनाना है इनको, मास्टरपीस गलत है, ये आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहा है, बस यही तो आंसर हो गया। चलो करके देख लेते हैं, द आर्टिस्ट यूज जस्ट प्राइमरी कलर्स टू क्रिएट अ मास्टरपीस, ठीक है, ये आर्टिस्ट यहाँ पर पीछे चला गया, मास्टरपीस आगे आ गया, ऐसी तो बनता है, और कैसे बनता है भैया? आप ये देखोगे सर ये 2+V1 कैसे आया, अरे बेवकूफो पेपर में ऐसे नहीं करते, ये आपको क्यों बता रहा हूँ, चलो 6 मिनट हो गए ज्यादा नहीं बोलूंगा, पहले तो आपको यही करना है ना, सब्जेक्ट को पीछे बाय प्लस और सब्जेक्ट करके भेजना और ऑब्जेक्ट को आप आगे बना देते हो, ये तो करना, तो पहले आर्टिस्ट को आगे उठाओगे, यही आंसर है, करेक्ट होगा, देख लेना ये भी। हर जुडिशियस एक्ट मेड हिम पॉपुलर ओवरनाइट, जुडिशियस मतलब होता है जो बंदा एकदम क्या हो, वन इज गुड एट मेकिंग जजमेंट्स, जो बड़ा ही क्या हो एक तरीके से सैगेशियस हो, वाइज हो, प्रूडेंट हो, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो थोड़ा सा कनिंग हो तो श्रीयुड हो, ऐसा जो जजमेंट अच्छी ले, तो जुडिशियस का अपोजिट क्या होगा एंटोनियम, अनवाइज है, लॉयल पता है, लॉफुल मतलब लीगल है, अच्छा इसका अपोजिट क्या बनेगा, इलीगल बनेगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये विद द अलार्म हैड बीन ट्रिगर्ड, पहले बात तो अ स्मॉल फायर है, तो अ स्मॉल फायर देखो बाय स्मॉल, अ स्मॉल फायर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे द अलार्म कट गया अ स्मॉल फायर आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हैड बीन ट्रिगर्ड मतलब बीन लग रहा है ना, तो आप बस ये देखो कि पास्ट परफेक्ट चाहिए, पास्ट परफेक्ट चाहिए, बस देख लो हैड प्लस वी थ्री का है, यहाँ पे भी हैड बीन है गलत हो गया, यहाँ पर अलार्म तो आएगा नहीं, स्मॉल फायर आएगा, ये हैड ऐसी तो बनता है इसका, और कैसे बनता है ना, इसी ध्यान रखना, हैड प्लस वी थ्री में आप बीन प्लस वी थ्री लगाते हो, बिल्कुल सही है, अ स्मॉल फायर हैड ट्रिगर्ड द अलार्म, ऐसे पेपर में करना। अब जल्दी जल्दी करवाता हूँ, 5 मिनट रह गए। ऑल द गेस्ट आई इन्वाइटेड टू द मूवी स्क्रीनिंग हैव शोन अनविलिंग, है आई इन्वाइटेड टू द मूवी स्क्रीनिंग हैव शोन अनविलिंग, अनविलिंग हैड शोन अनविलिंग, आई हैव इन्वाइटेड, I have invited चल रहा है, तो हैड वाला नहीं आएगा, आर बींग अनविलिंग गलत, हैव शोन अनविलिंगनेस चाहिए था, एनी डबल एस चाहिए था पीछे, ठीक है ना, सफिक्स का देख लेना क्या होता है। द न्यूज वॉज डैश गुड टू बी ट्रू, तो आपने पढ़ा होगा 2+2 की पेयरिंग होती है, इसका मतलब है द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब वो इतनी गुड थी जितनी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना, द न्यूज वॉज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू, ऐसे इसका मतलब ये होगा, तो टू गुड टू आ जाएगा, 2+2 ये तो एडवर्ब का है, पैरामाउंट की बुक का है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, रेक्लूज मतलब क्या होता है, सॉलिटरी मतलब अलोन में, लोनली अलोन, ठीक है, रेक्लूज का मतलब अलोन, वीकनेस पावर आपका आंसर चला जाएगा। अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, अभी 2023 का क्वेश्चन है, लुलावा इसका आंसर है, वो बच्चों को गाना सुनाते हैं बच्चा सो जाता है। लॉरल मतलब है बेस्टो करना, किसी को आदर देना, रिप्रेस करना, लॉरल मतलब प्रेज लेके आना एक तरीके से, अपने लॉर्ड लेके आना, लॉर्ड, ठीक है। ब्रिंग लॉरल्स टू योर स्कूल, जब हम बचपन में नोट मेकिंग करते थे तो ये लिखते थे। लिरिक आपको पता है लायर एक स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाने के काम आता है, आंसर है लुलावा, 2023 का क्वेश्चन है, बहुत बार करा चुका हूँ बच्चों को, अगर कोई मेरे से पढ़ता हो तो पता होगा उसे, जैसे हमसे कोई पढ़ता नहीं है कि हम इतने कोई फेमस नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं, आज ही बाजा 12,000 हुए हैं हमारे, बाजा क्या कह रहा हूँ मैं भी, चलो कोई नहीं, व्लॉग बना रहा हूँ ना आजकल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग, एमोलियरेट मतलब होता है कोई चीज इंप्रूव करना, फॉस्टर मतलब होता है पालना, रिकनसाइल मतलब एकत्रित हो जाना, हारमोनियस रिकनसाइल एक मिलजुल कर, इनहेंस मतलब ग्रोथ आगे बढ़ाना, ठीक है, एक्सेसरबेट का मतलब होता है वीकन करना, वर्स करना, बर्बाद करना, भत से बदतर करना, एक्सेसरबेट एंटोनियम जाएगा। द गेम हैज के साथ वी थ्री आता है, द गेम हैज प्लेड, नहीं सॉरी गेम ने थोड़ा ना खेला है, जैसे राम हैज प्लेड, राम ने खेला नहीं, गेम को खेला गया, तो द गेम हैज बीन प्लेड बाय ऑल द स्टूडेंट, तो भी ए बनेगा, ए है। आई डोंट गेट एट विद माय नेबर शी सुरुट, गेट एट विद शी सुरुट, गेट एट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, गेट एट नहीं होता, गेट एट ही आंसर है, गेट अलोंग हुआ, गेट अलोंग का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन बनाना, ठीक है। चलो आई एम इन अ डिफिकल्ट प्रेडिकमेंट, ये प्रीवियस ईयर, प्रेडिकमेंट का मतलब होता है दूरदृश्य, मतलब बहुत ही घटिया परिस्थितियों में होना, सफरिंग्स में होना, मिसफॉर्चून में होना, डिस्ट्रेस में होना, मिजरी में होना, ट्रिबुलेशंस में होना, एफ्लिक्शंस में होना, और क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब ऐसी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो डिलेमा में होना, डिलेमा इज करेक्ट, सिनोनिम पूछा, ठीक है। सक्सेस ऑफर एडवांटेज, सही है भाई, चलो
हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, जैसे मेरे को डॉग पसंद है, डॉगीज पसंद है, तो मेरे लिए उनके, मेरे दिल में उनके लिए सॉफ्ट स्पॉट है, मतलब क्या रिडिकुलस है, गलत। बींग फॉन्ड ऑफ, मतलब एक मैं उनको लगाव रखता हूँ, सॉफ्ट स्किन है, वाह भाई कुछ भी कुछ भी। द फॉर्म विल फिल बाई, अरे भैया बाय यू आया ना, पैसे बनाना, तो विल बी प्लस बी थ्री, विल बी फिल्ड बाई यू बिफोर द एडमिशन प्रोसेस, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। चलो चलो, के आई पी एस किप्स विद इट्स, के आई पी एस किप्स तो ये यही नहीं है, विप्स नहीं, वो दिल्ली का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आगे विप्स है ना वो तो, हाँ। के आई पी एस किप्स विद इट्स वास्ट डैश इन स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन विद इट्स वास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन स्कूल एजुकेशन डैश द कंप्यूटर सीरीज साइबर बीन्स हैज इज डिजाइनिंग, बना रहा है, नहीं बना चुका है ना, हैज डिजाइंड सीरीज, दिस इज द डैश कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर कोर्स, दिस इज द के साथ सुपरलेटर डिग्री आएगी भैया, बहुत अच्छा, लीस्ट नहीं मोस्ट, मोस्ट यूज करो, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर कोर्स, डैश इज फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग, हुज हु डैट विच, चीजों के लिए विच, विच इज फ्री, आई थिंक विच, हाँ विच इज फ्री फ्रॉम, वाइल डिजाइनिंग द सीरीज अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन पुट इन टू गिव ईच डैश ईच व्यूज, ईच आ रहा है सिंगुलर है, सिंगुलर चाहिए, व्यूज कहाँ से आ जाएगा, गलत प्रोसेस कहाँ से आएगा, एस्पेक्ट कहाँ से आएगा, एस्पेक्ट वाह, ईच कंसेप्ट अ प्रैक्टिकल से, ठीक है भाई ये हमारा हो गया, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, देख लो, अरे ये क्या हो गया हमारा टास्क, तो हमने बहुत टाइम ले लिया, चलो कोई नहीं मैं समझा भी रहा था, बहुत अच्छा आइडिया था भाई ये स्टिकी फिंगर्स, अभी लगा दूंगा कम्युनिटी में भी, देख लेना वहां से, ठीक है। स्पार बहुत अच्छा वर्ड है, एस पी एस स्पार मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली फाइट, ऐसे आर्ग्यूमेंट हो जाती है दोस्तों में उसे कहते हैं। तो भैया हो गया हमारा, अब हम कर रहे हैं इसको सबमिट, आज लेट हो गए हम करने में, ठीक है। रैंक नीचे हो जाएगी ना हमारी, लेट हो गए हम तो। चलो भाई रैंक वन आ गई फिर से, ठीक है, और मगर मजा नहीं आया आज क्योंकि हम लेट हो गए, लोगों 50 में 50 और कोई भी लेके आ रखा है, कोई नहीं, ये आसान था वैसे पेपर, एक दो क्वेश्चन थे ट्रिकी, बाकी आसान था। देखो भाई क्यों करा मैंने ये, मैंने क्यों करा, मैंने इसलिए करा कि आप लोग समझ पाओगे कैसे करना है पेपर में, ऐसे नहीं करना है कि भैया कुछ भी आए कर दिया, आप लोग समझो कि कैसे करना है, जैसे ये आया हमने कैसे सॉल्व करा, ये आया देखो, ये देखो अभी देखो आप लोग, वो कैब कितनी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन वो कैब का, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, लो भाई चलो ये वो कैब का नहीं है, ये भी वही वो कैब का इनकरेक्ट, तो वो कैब ही हो गया, चार क्वेश्चन लो, ठीक है, पांच क्वेश्चन, ये नहीं है, ये नहीं है, छह क्वेश्चन लो, सात क्वेश्चन, आठ क्वेश्चन, नौ क्वेश्चन, अब बताओ नौ क्वेश्चन, तो दस क्वेश्चन लो वो कैब के, ग्यारह क्वेश्चन, ग्यारह क्वेश्चन वो कैब के, मतलब 22 नंबर की वो कैब है, ठीक है, इसमें भी एक आधा क्वेश्चन वो कैब का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया वो कैब कितनी इंपॉर्टेंट है और चीजों को कैसे तोड़ना है। अब आपने देखा ना मैं पैसिव वॉइस कैसे कर रहा था, इतनी फास्ट करना, आप सोचने में बैठ गए, अरे हमने तो वो पढ़ा है, हमने तो इस टीचर से पढ़ा है, अरे भैया प्रैक्टिस करके चलो, कोई भी दिक्कत लगे तो मुझसे आप पूछ सकते हो, हमारा जो विनय कक्षा टीम का नंबर है वो है 9289609096, आप उसमें हेलो करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अभी दो दिन के लिए वो व्हाट्सएप मेरे पास है तो मैं बाप से कॉन्टैक्ट, मतलब मेरे से भी बात कर सकते हो वहाँ पे व्हाट्सएप पे। दूसरी चीज, हमारा एक कोर्स है पेड कोर्स विनय कक्षा की ऐप में जाकर, जो कि 700-800 रुपये फिर 600 रुपये ऐसा था, पूरा पेड कोर्स है वो, तो उसके प्राइस अभी 3 दिन के लिए हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ 99। किसी को अगर लेना हो तो ले सकते हैं, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो, अगर कोई वैसे भी हमसे कुछ भी पूछता है हम बता देते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।